वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सुनिधि है और आप मुझे चैनल पे देखते रहते हैं। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक जो हमारा कोर्स चल रहा है ऐप पे, उस पे हम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स देख चुके हैं। यानी कि इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के, उसके फॉर्मूलेज को कैसे डेरिवेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो प्लेन्स गिवन होते हैं, तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं एक प्लेन में, उसका किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो हमारे दो पॉइंट्स गिवन है वो है ए 18.8, बी 10.2, और हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ए 18.8 यानी कि हमारा जो एक पॉइंट है 18.8, यानी कि एक्स की वैल्यू 18 समवेयर यहाँ पे ए, ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, आर्बिटेरली ड्रॉ कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर तो आपको ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा, बस आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं क्लियर कर रही हूँ। बी जो है हमारा 10 की वैल्यू, हमारी जो x की वैल्यू है वो 10 है, और x की वैल्यू 10 है क्योंकि 18 जो है वो 10 से बड़ा होता है, तो b की वैल्यू कहीं पीछे आएगी और y की वैल्यू 2। ये ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स हमें गिवन हैं a और b, और हमसे पूछा गया है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो जब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इस तरीके से हमें गिवन होता है ए बी, फिर हम उस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद में इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के बाद में हम वैल्यूज को ड्राइव करते हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया था तो हमारी ये एक फॉर्मूला निकल के आया था जो कि जनरल फॉर्मूला था, इसको हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर a की वैल्यू 18.8 है, b की वैल्यू 10.2 है, ठीक है, तो इसमें हमारे x1 की क्या वैल्यू है, x1 हमारा 18 है, y1 हमारा 8 है, x2 हमारा 10 है और y2 हमारा 2 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 8 स्क्वायर, 2 में से 8 गए तो माइनस का 6 स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब हम माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 64, और माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 अंडर रूट 100, और ये किसका रूट होता है, 10 का रूट होता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि जो हमारी ए बी है इसके बीच का क्या डिफरेंस है, 10 यूनिट्स। ठीक है, इतना ही छोटा सा क्वेश्चंस था, यही हमें समझना था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना भी पूछे जाएं तो ये बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो ऐप है उस पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं। देखिए कितना बेसिक लेवल है, 10th क्लास में 9th क्लास में ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा जाता है, हम यहाँ से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके आगे बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा रहे हैं। अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ में जो हमारे और लेक्चर्स हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के वो देख सकते हैं। उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, और साथ में जो ऐप का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है, ऐप पर स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का जो कोर्स है वो भी कंप्लीटली रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।